हेलो राधे राधे भाई सभी को, मेरा प्यार भरा बबीता ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। और पहले से बहुत अच्छा बैटर कर रही हूँ। माता रानी के दिन हो गए हैं शुरू, और जय माता दी। माता रानी आप सबकी झोलियाँ भर है, आपको सबको स्वस्थ रखा है, यही मेरी मनोकामना है सभी से, सभी के लिए। और बस अब मेरी हो चुकी है वैसे मंदिर की भी तैयारी, कुछ रसोई में भी लगी थी भाई, आज मैंने लगा दी है माता की चौकी। अभी मैं इनको थोड़ी सजाऊंगी, और ये मैंने लोटा भी भर के रख लिया है, और अखंड ज्योत के लिए अभी तैयारी करी है, और ये मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी, और अभी फूल माला वगैरह लेके आ रही हूँ। अभी जब मंदिर को पूरे अच्छे से सजा दूंगी और ज्योत बत्ती लगा के, तब मैं आपको अपनी माता रानी के दर्शन करवाती हूँ। तो आप लोग भी माता रानी की कृपा आपने बच्चों पर सब पे बनाए रखे, माता रानी आपके भी, और आप सब भी अच्छे से, माता रानी के नवरात्रे हो गए हैं शुरू, तो आप उनका अच्छे से स्वागत करना, माँ शक्ति का, माँ सबकी झोलियाँ भरने आपके घर पे जरूर आएगी। तो ठीक है भाई, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, मैं ले आती हूँ थोड़ा सामान। लाइट चली गई भाई, थोड़ा अंधेरा हो गया है, इसलिए मोबाइल के लाइट से मैं आपको अपना ताराणी का, जो कि मैं अभी अभी लेके आई हूँ, ये देखो भाई, ये लेकर आई मैं फूल माला, और ये पांच फल, केला है, सेब है, चिक्कू है, और ये बाबू गोसा है, और ये रखे देखो सिंगाड़े, इलायची और पंचमेवा, और सबसे मेन है ये नारियल। और ये देखो मैंने ये माता रानी का ये बना दिया है श्री अंतर, और अभी इसे फूलों से और सजाऊंगी। और ये ले आई हूँ मैं माता की चुन्नी, अभी लाइट आई नहीं है, लाइट आ जाएगी तब दिखाऊंगी। तो भाई मैं बेब गई थी नकुल के साथ भद्रगढ़, और वहाँ से अब सामान लेके आई हूँ, बस अब मैं लगा रही हूँ अपनी जोत। मेरी हो चुकी है पूजा, और अब देखिए मेरे मंदिर, आप सबको ये देखिए भाई मेरा मंदिर, और मैंने लगाई है ये अखंड ज्योति माँ की, ये मेरी जगदम्बे माँ की, ये मैं इनकी चुन्नी लेके आई थी, लाइट की रोशनी लग रही है थोड़ी सी। और हाँ, आप लोग भी अगर ये दिया होता है भैरव जी का और सरसों के तेल का, अगर आप लोग नहीं जलाते तो ये भी ज़रूर जला करो, क्योंकि माँ की जब भी पूज मानी जाती है पूरी, और जब तक इनका ये भैरव का दिया भी जरूर लगाना चाहिए सुबह शाम। तो मैं तो हर बार लगाती हूँ, ये लगा रखे आपने, आपको मैंने दिखा दिया, ये देखो मेरे फूलों से मैंने सजा दिया है अपना प्यारा सा मंदिर। और ये एक चौकी माँ की मैंने नारियल की यहाँ पे लगा रखी है, और पांच मैं ये फल लेके आई थी, और मैंने ये अक्षत भी रखे हैं नीचे, और ये देखिए बहुत अच्छी, और ये मैंने अंगारी पर ये भोग भी लगा दिया था। तो मेरी माता रानी की हो गई है अच्छे से पूजा, और हे माता रानी बस अब मन अच्छे से ठीक कर दे, और मन्ना मन्ना नहीं सभी को अच्छे से ठीक कर दे, सब आपके ऐसे ही, सब भी भक्त जन आपकी ऐसे ही पूजा करते रहे। जो ले भाई थोड़ी देर में मिलती हूँ फिर। अब पूजा तो हो गई है भाई कंप्लीट, और देख लो अभी तक मैंने चाय तक भी नहीं पी है, कम से कम शायद 3-3:30 का टाइम होने वाला है। आज मेरी माता रानी के लिए मेरा पूरा दिन गया है, क्योंकि तबीयत भी ठीक कम वो लग रही थी थोड़ी सी, फिर नहाई भी, फिर सिर भी धोया आज, और सिर मैंने देखो अभी बाया भी नहीं है, सिर है देखे जाओगी, नहा दलिए, सिर भी धो लिए, व्रत भी कराया है, अभी तक नू लगा लो 3:30-4 का टाइम होने वाला है, अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी है। और अरे पर मेरा यो काम और रह रहा, ये पत्ते अभी तक मैंने इनकी बनानी है माला, और मंदिर में लगाऊँगी। और ये देखो मैंने दे रखे हैं जो मैंने वहाँ पे इसलिए ना बना कर रखे, मतलब मैं हर साल वैसे करा करती वहाँ पे, तो मूसी वगैरह थी ना जो, तो ये काट दिया करती, तो इसलिए मैंने अब मैं 1-2 साल से अपने गमले में बो दिया करो भाई। अगर आप लोग भी, आपके में भी ऐसी कोई समस्या हो तो गमले में भी बो दे, घर में बो, कहीं भी बो दो, ज़रूरी नहीं है कि माँ की चौकी के सामने ही आपको ज़रूरी है बोने, आप गमले के अंदर भी बो सकते हो। तो मैं तो बोऊँगी गमले के अंदर ही, और गमले में भी बहुत अच्छे हो जाए हमारे। तो चलो मैं जो बोलूँ फिर दिखाऊंगी, या तो तुलसी में बो दूंगी, और ये कितने सारे पौधे हैं ना जो,
एक ये बेल पत्थर को छोड़ कर और किसी भी पौधे में अभी मैं जो है बो रही हूँ। ये देखो भाई, ये बो दिए मैंने अपने जो गमले में ही बो दिया थी। भाई इसमें मैं थोड़ा सा गंगा जल डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि पानी इसमें पहले से ही है। तो भाई मैं बना रही हूँ अब शाम की पूजा के लिए अंगारी, क्योंकि ये आप लोगों को मैं ज़रूर ये बताना चाहूँ कि जब भी मतलब कि सुबह भी और शाम भी जब भी आप ज्योत बत्ती करो माता रानी की, तो आपको अंगारी जरूर बनानी चाहिए। कपूर है तो ठीक है, नहीं तो अंगारी तो ज़रूरी होनी चाहिए। और पुरानी फिल्में देख रहे हैं थोड़ी, मतलब हमारे जो घर का प्रवेश हुआ था तो बच्चों से वो चलवा रखी है। और मैं तो अंगारी बनाती हूँ। ये देखो मैंने गैस पर रख दी है अंगारी, और ये है मेरा डोंगा। तो अंगारी पे ही माता का मतलब कि भोग वगैरह, आप उसी से कपूर का भी और दो लौंग का जोड़ा और जो भी मतलब सामग्री अगर उस अंगारी में आप डालना चाहते हो वो माता के अर्पित करके तभी आप अंगारी का भोग लगा करो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, और आप जैसा भी करना चाहो वो आपकी मर्जी। तो मैं अभी दिखाती हूँ, अभी मैं कर लूँ शाम की थोड़ी पूजा। नहीं अंगारी अपने गैस पे बना लिया करो भाई, तो आप लोग भी अपना गैस पे बना लिया करो, कोई बात ना, छोटी सी अंगारी गैस पे भी बनाने में कोई दिक्कत ना आए। हाँ मैं तो, और अगर आपने भी अपने घर पे अखंड ज्योति लगा रखी है तो देखो आपको थोड़ा सा रात को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और मेरी तो भाई बार बार मैं खुल रही थी कि ज्योत कहीं भाई मतलब वो ना हो जाए, तो इसलिए मेरी माता रानी की पास ज्योत ये काफ़ी बड़ी है। मेरी पूरी रात तो क्या ये दो दिन तक भी ना ख़त्म होता जल्दी से, लेकिन मैं इसमें घी भर के रखा करूँ। और आप भी ऐसी एक चिमटी ले लेना, ये देखो मेरे पास छोटी सी जो ये ऐसी चिमटी होती है, इससे आप अपनी ज्योत को ऐसे हल्के से ऐसे उठा उठा के ऊपर से, और इस तरह से मैंने नाले की जोत से ये जोत बना रखी है, और आप ऐसे उठा उठा के इसको और इसमें घी डाल के, और तब आप अपनी जोत का ध्यान रख सकते हो। क्योंकि अखंड ज्योति अगर जलाई जाती है घर पे तो उसका बहुत ध्यान रखा जाता है, और ये नियम है। और माँ की जोत आप बिल्कुल भी अकेली नहीं छोड़ सकते, घर में कोई ना कोई आपको जरूर मतलब कि घर पर कोई ना कोई आपके होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई ताले को बंद करके और आप मार्केट चले गए या कहीं भी चले गए, ऐसा बिल्कुल मत करना। जब क्योंकि माता रानी हमारी 9 दिन तक हमारे पास आई है, तो हमने उनका ऐसे अच्छे से स्वागत करना चाहिए, उनके पूजा पाठ का पूरा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आप चाहे पूरे व्रत करो या ना करो, तो मैंने भी सिर्फ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और व्रत तो मैंने भी अभी दो ही करे हैं, एक कल किया है और एक मैं सत्य का करूंगी, 8 के हमारे में कढ़ाई होती है। तो भाई मन किया है, पिछली बार भी मैंने अपनी ज्योत ये मेरी माँ ने दे रखी है मेरे को, और मैं ज़्यादातर अपनी अखंड ज्योत ही जलाती हूँ, चाहे मैं व्रत पूरी करूँ या एक भी ना करूँ, चाहे जो भी है मतलब। और जब तक माता रानी चाहती है तो मैं अखंड ज्योति जलाती ही रहूँगी। मैं तनों को माता रानी का आशीर्वाद बना रहो आप सब पे भी। और बस अब मैं कर लूँ भाई पूजा, तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं मंदिर में ही समाप्त। तो खुश रहना, मस्त रहना, और हमेशा मुस्कुराते रहना, और कौन क्या कहता है इस बात की परवाह ना करते हुए सिर्फ आगे बढ़ते रहना। और हमेशा याद रखना, लाइन हमेशा दो होती हैं, एक हमारी और एक दूसरे की। दूसरे की लाइन को काटना नहीं है, अपनी लाइन को आगे बढ़ाना। तो सिर्फ अच्छाई के रास्ते पे चलते रहो, परमात्मा आपके साथ है। जय माता दी, खुश रहना, बाय बाय।